नमस्कार मित्रों, टैग हिंदी में आपका फिर से स्वागत है और आज के इस स्पेशल वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कोई भी एक रुपए का भी खर्चा किए बिना एक अपने एग्जिस्टिंग लैपटॉप या फिर पीसी में एक 3D मूवी का मजा कैसे ले सकते हैं, और वो भी विदाउट एनी 3D डिस्प्ले या फिर विदाउट एनी ग्राफिक कार्ड के। तो चलिए देखते हैं ये सब आप कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक 3D मूवी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो 3D प्रिंट है जिसके आपको जरूरत पड़ेगी, या फिर आप किसी ऑनलाइन वीडियो 3D में है उसे भी 3D में एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी ऐसे 3D ग्लासेस की जो आपको Amazon जैसी वेबसाइट पे आसानी से काफी सस्ते में मिल जाएंगे। तो उसे आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर भी क्लिक करके आप उसे खरीद सकते हैं। या फिर आप अपने घर पे ही ऐसे रेड या फिर ब्लू टाइप के कागज को चिपका के ऐसे ग्लासेस बना सकते हैं और 3D मूवी एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तीन ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप 3D मूवी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है VLC प्लेयर जिसमें आप 3D मूवी देख सकते हैं। यहाँ पे KM प्लेयर है, यहाँ पे YouTube या फिर ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट पर आप 3D मूवी या फिर 3D वीडियो ऑनलाइन अवेलेबल है तो उसे देख सकते हैं ग्लासेस लगाकर। मगर यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स करने हैं अलग अलग प्लेयर में, तो वो क्या करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है VLC प्लेयर, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने VLC में एक 3D मूवी प्ले कर रखी है और उसे मैं प्ले कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको साइड बाय साइड दो इमेज दिखाई देगी यानी कि एक 3D मूवी प्रिंट है। फिर आपको क्या करना है, टूल्स पे जाना है, पहला ऑप्शन है इफेक्ट्स एंड फिल्टर्स का, उसे क्लिक कर दीजिए। वीडियो इफेक्ट्स टैब में चले जाइए और लास्ट एडवांस में आप पहला यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं 3D का, तो उसे टिक कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं मूवी सिंगल स्क्रीन में प्ले होना स्टार्ट हो गई। उसके बाद इस 3D ग्लासेस को पहन लीजिए, फिर आप इस मूवी को 3D में देख सकते हैं। और यहाँ पे सेम मूवी मैंने KM प्लेयर में प्ले कर रखी है, और यहाँ पे इस प्लेयर में आपको VLC प्लेयर से भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे यानी कि यहाँ पे आपको 3D का बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको साइड बाय साइड दो इमेज दिख रही है, दो क्लिप दिख रही है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे साइड में 3D ऑप्शन क्लिक करना है, या फिर 3D स्क्रीन कंट्रोल में से आप यहाँ पे अलग अलग फिल्टर्स देख सकते हैं, जैसे कि आपके ग्लासेस हो उस तरह से अलग अलग सेटिंग यहाँ पे आप ट्राई कीजिए, और यहाँ से आप अलग अलग सेटिंग को ट्राई करके एक बेस्ट 3D एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और यहाँ पे आप कोई ऑनलाइन वेबसाइट पे 3D मूवी या फिर 3D वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ग्लासेस लगाने हैं और आप इस वीडियो को 3D में एंजॉय कर सकते हैं बेस्ट तरीके से। और YouTube में ये जो चैनल है 3D एंड 3D, वो काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाते हैं 3D में, तो सबसे पहले तो ये वीडियो ट्राई कीजिएगा जो काफ़ी अच्छा है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मिलेगा 3D का। तो यहाँ पे तीन ऐसे तरीके हैं जिससे आप कोई भी खर्चा किए बिना अपने एग्जिस्टिंग लैपटॉप या फिर PC में इस ग्लासेस से 3D मूवी एंजॉय कर सकते हैं। तो इस ग्लासेस को बाय कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और मैं अंकुर सथवार आपको मिलता हूँ अगले और एक्साइटिंग वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।